हेलो फ्रेंड्स, ये लेसन नंबर 58 और इस लेसन में हम सीखेंगे लिस्ट व्यू कंट्रोल। ओके, तो दोस्तों लास्ट लेसन में सीखा था हमने लिस्ट बॉक्स। ओके, तो लिस्ट बॉक्स जो है वो भी लिस्ट दिखाता है। ओके, पर ये जो लिस्ट है वो वर्टिकली लिस्ट होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में ये लिस्ट अरेंज होता है। ओके, और लिस्ट व्यू जो कंट्रोल है वो कंट्रोल ग्रिड व्यू में अपनी जो भी टेक्स्ट है वो दिखाता है। ओके, तो देखिए ये मैं यहाँ से लिस्ट व्यू लेता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ओके, तो ये लिस्ट व्यू आ गया और इसमें आप देख सकते हो कि लिस्ट बॉक्स की तरह ही लिस्ट व्यू है। ओके, तो ये जो दो कंपोनेंट है जो अगले लेसन में सिखाए थे, ये लिस्ट बॉक्स कंट्रोल है। ओके, और ये जो कंट्रोल है वो है लिस्ट व्यू कंट्रोल। ओके, तो देखिए उसकी भी इवेंट है। कौन सी इवेंट? सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट। ओके, तो लिस्ट बॉक्स की भी कंट्रोल है सिलेक्टेड इंडेक्स, लिस्ट बॉक्स की भी इवेंट सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज ही है। ओके, लिस्ट व्यू की भी इवेंट कौन सी है? सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज। तो ज़्यादा कोई डिफरेंस इसमें नहीं है दोनों में, बट डिफरेंस कहाँ पर आता है? उसकी व्यू करने के तरीके में। ओके, देखो डिस्प्ले कैसे टैक्स होती है उसके तरीके में भी डिफरेंस है। ओके, देखिए यहाँ पर लिस्ट बॉक्स में वर्टिकल डायरेक्शन में लिस्ट अरेंज होता है, जबकि ये जो लिस्ट व्यू है उसके अंदर ग्रिड व्यू होता है बाय डिफॉल्ट, और ग्रिड व्यू जो है वो हाइड रहता है, और ग्रिड व्यू के अंदर टेबल फॉर्मेट में, टेबल फॉर्मेट में वैल्यू डिस्प्ले होती है। ओके, तो देखिए जब भी आप इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे तो आइटम्स नाम की प्रॉपर्टी है, वहाँ से भी आप आइटम ऐड कर सकते हो, या फिर ये जो छोटा सा एरो दिखाई देता है उस पर क्लिक करके एडिट आइटम में जाके भी आप आइटम को ऐड कर सकते हो। ओके, तो देखो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ गया? लिस्ट व्यू आइटम। ओके, और यहाँ पर आपको टेक्स्ट में टेक्स्ट लिखनी है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंप्यूटर। ओके, ओके बटन प्रेस करता हूँ मैं। ठीक है, देखो मैं दूसरी आइटम ऐड करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ आईटी, आईटी। तीसरी आइटम ऐड करता हूँ मैं और टेक्स्ट में लिखता हूँ सिविल। ओके, ये मैकेनिकल। तो दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली लिस्ट बॉक्स और लिस्ट व्यू में, कि जिस तरीके से वो आइटम को दिखाता है उसी में डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। ओके, तो लिस्ट बॉक्स वर्टिकली आइटम दिखाता है और ये लिस्ट व्यू जो है वो डेटा ग्रिड व्यू के अंदर आपको नंबर ऑफ आइटम डिस्प्ले करके दिखाता है। ओके, तो और कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इलेक्ट्रिकल। ओके, तो नंबर ऑफ आइटम ऐड हो गई, अब रिमूव करनी है तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो, और ये जो सभी के सभी आइटम्स है उसकी आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, या चेक ट्रू और फॉल्स कर सकते हो। ओके, यहाँ से चेक, यहाँ पर ट्रू करता हूँ मैं आईटी में। ओके, देखो फंड साइज, उसकी कलर वगैरह सब आप चेंज कर सकते हो, तो यहाँ से आप सब कुछ कर सकते हो, और मैं ओके बटन प्रेस करता हूँ। तो देखो ये जो लिस्ट व्यू है ये इतना लिस्ट व्यू है। ओके, और ये कंप्यूटर पहले यहाँ पर ऐड हुआ, फिर आईटी, सिविल, मैकेनिकल और नीचे इलेक्ट्रिकल आया। ओके, तो देखो ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वैल्यू डिस्प्ले करता है। देखो मैं इसको रन करता हूँ। ओके, अब ये देखो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वैल्यू डिस्प्ले करेगा। ओके, और जब भी यहाँ पर कोई स्पेस नहीं रहेगी तो दूसरी लाइन से वो स्टार्ट करेगा अपने टेक्स्ट को राइट करना। ओके, तो ये होता है टेबल फॉर्मेट, ग्रिड फॉर्मेट। ओके, तो देखो आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस, इसलिए मैंने इसी प्रोजेक्ट में ये लिस्ट व्यू कंट्रोल लिया आपको दिखाने के लिए कि दोनों में आपको डिफरेंस दिखाई दे। देखो ये लिस्ट बॉक्स है और ये है लिस्ट व्यू। ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अरेंज होता है, ये वर्टिकल में अरेंज होता है। ओके, तो यही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। ओके, तो लिस्ट बॉक्स एंड लिस्ट व्यू दोनों स्ट्रिंग या फिर कोई नंबर ऑफ आइटम्स हो आपको दिखानी है तो उसके लिए
यूज होता है, लिस्ट को दिखाने के लिए यूज होता है और कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। और वर्टिकली अरेंज होता है कंपोनेंट्स, वर्टिकली स्ट्रिंग अरेंज होती है लिस्ट बॉक्स के अंदर, और लिस्ट व्यू के अंदर हॉरिजेंटली अरेंज होती है। ओके, बाकी सब जो हमने एड रिमूव का कोड किया था, लिस्ट बॉक्स वन डॉट आइटम डॉट एड डॉट रिमूव, तो वही कोड इसमें भी लिख सकते हैं आप, लिस्ट व्यू वन डॉट आइटम डॉट एड, लिस्ट व्यू वन डॉट आइटम डॉट रिमूव। ओके, तो वो इसमें अभी आप कर सकते हो। ओके, तो इस लेसन में इतना ही, थैंक यू।